हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प एमके। आज आपको दिखाएंगे ये होंडा जेनरेटर। ये मॉडल है EU70IS, इसका इंस्टॉल दिखाएंगे आज। पूरा फिटिंग करके आपको चला के दिखाएंगे, क्या क्या चलेगा वो भी बताएंगे, और इसका क्या प्राइस है बताएंगे। ये पूरा पेटी खोल लेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो चलिए इस होंडा जेनरेटर को पेटी से खोल लेते हैं, और पेटी से खोल के आपको दिखाएंगे, स्टार्ट करके दिखाएंगे क्या क्या फंक्शन है बताएंगे, और करंट क्या प्राइस चल रहा है अभी वो बताएंगे। सबसे अच्छा होंडा जेनरेटर सेट है ये, इसमें एसी भी चलेगा, क्या क्या चलेगा डिटेल्स में आपको बताएंगे। अभी जितना कंपनी का पोर्टेबल जेनरेटर सेट है, सबसे अच्छा होंडा कंपनी का जेनरेटर सेट है, और ये जो मॉडल है होंडा कंपनी का सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का मॉडल है। तो इसको आज आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे, फिटिंग करके दिखाएंगे, और स्टार्ट करके साउंड भी सुनाएंगे। और होंडा जेनरेटर में साउंड बहुत कम होता है। ये इंजन स्टार्ट करके आपको सुनाएंगे, सू करके आवाज़ आएगा। ये मॉडल सबसे बड़ा मॉडल है, जितना होंडा जेनरेटर है सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का मॉडल है ये। मॉडल नंबर भी बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे आपको, होंडा जेनरेटर अच्छा है या इन्वर्टर अच्छा है, दोनों में कौन सा अच्छा होगा वीडियो में बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए वीडियो में दिखाएंगे आपको फिटिंग करना। तो क्या क्या निकला है होंडा जेनरेटर के साथ वो आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये दोनों चाका मिलेगा, जो प्लग भी आप लगा सकते हैं। ये सर्विस मैनुअल बुक मिलेगा, इसमें सर्विस फ्री है, 6 सर्विस आपको मिलेगा, 3 फ्री है, 3 पेड करके कराना होगा। और इसका वारंटी मिलेगा आपको, 2 साल कंपनी देता है इसका वारंटी। और होंडा कंपनी का सर्विसिंग सेंटर बहुत ज़्यादा है, गूगल पर सर्च करने पे आपको नंबर भी मिल सकता है। और बात करेंगे फिटिंग करते करते, होंडा जेनरेटर अच्छा है या इन्वर्टर अच्छा है। तो देखिए होंडा जेनरेटर अच्छा है मेरे ख्याल से, क्योंकि होंडा जेनरेटर में जब चलेगा तब भी खर्चा होगा, और इन्वर्टर में क्या होता है 3 साल या 4 साल के अंदर अंदर बैटरी चेंज करना पड़ता है। और एक चीज़ है, बैटरी में ब्रेकअप जो देगा आपको कंटिन्यू नहीं देगा, और होंडा जेनरेटर में आपको कंटिन्यू ब्रेकअप देगा। 7 घंटा चला सकते हैं कंटिन्यू, और 1 घंटा रेस्ट देके फिर 7 घंटा कंटिन्यू चला सकते हैं। मतलब 1 घंटा रेस्ट देके फिर 7 घंटा चला सकते हैं, 1 घंटा रेस्ट देके फिर 7 घंटा चला सकते हैं, ऐसे करके कंटिन्यू आप चला सकते हैं। इन्वर्टर में ऐसा नहीं होगा। और इन्वर्टर में क्या होता है, करंट खर्चा एक्स्ट्रा लगता है बैटरी चार्ज होने के लिए। आपका करंट जाए या ना जाए उससे कुछ मतलब नहीं होता है, जेनरेटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। चलने पे खर्चा होता है, नहीं चलने पे खर्चा नहीं होता है। ये मेरे ख्याल से लगता है जेनरेटर ही अच्छा है। अब आगे आपका मर्जी कौन सा चीज़ लेना है या नहीं लेना है। तो चलिए स्टैंडर्ड चाका फिटिंग कर दिया, उसके बाद बैटरी फिटिंग कर देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। बैटरी फिटिंग करने का तरीका है, जो लाल वाला वायर है वो बैटरी का प्लस टर्मिनल पर लगेगा, जो काला वाला वायर है वो बैटरी का माइनस टर्मिनल पर लगेगा। तो चलिए बैटरी फिटिंग करने के बाद आपको क्या करना होता है वो दिखा देंगे। बैटरी फिटिंग करने के बाद इंजन में इंजन ऑयल नहीं है, कौन सा लाइट जलता है वो आपको दिखा देते हैं। इसमें कौन सा लाइट जलेगा, चाबी ऑन करने से इंजन ऑयल नहीं आएगा, जो आई मॉनिटर है जिसको डिजिटल डिस्प्ले कहते हैं उसमें शो करेगा। आपको दिखा देते हैं क्या क्या लाइट है, आपको दिखा देते हैं। तो देखिए चाबी ऑन किया, इस डिस्प्ले में शो हो रहा है ऑयल, OIL ऑयल लिखा आ रहा है, यार ये रेड लाइट जल रहा है, मतलब इंजन में इंजन ऑयल नहीं है तो ये जलेगा, और ये डिस्प्ले में ऑयल लिखा रहेगा, इंजन ऑयल डालना होगा। और ये जो बीच में लाइट है ये ओवरलोड अलार्म है, वो लाइट जलेगा, और ये इंजन स्टार्ट करने पर आउटपुट लाइट है जलेगा। ये तीनों लाइट का तीनों काम है, ये एसी आउटपुट है जो आप करंट ले जा सकते हैं यहाँ से। और ये है फ्यूल टैंक, ये फ्यूल टैंक ढाका, आपको फ्यूल डाल के भी दिखाएंगे, इंजन स्टार्ट करके दिखाएंगे, इंजन ऑयल भी डालेंगे दिखाएंगे आपको, कितना इंजन ऑयल लगता है बताएंगे। तो ये है होंडा कंपनी का जेनरेटर, FI EU70IS मॉडल है। FI मतलब फ्यूल इंजेक्शन। और इस होंडा जेनरेटर में ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए इन्वर्टर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी मैच कर लेता है। कोई भी कंप्यूटर चलेगा, प्रिंटर चलेगा, जेरोक्स चलेगा, USG मशीन चलेगा, डेंटल का जो एक्सरे मशीन होता है वो भी चलेगा, इसमें सबमर्सिबल पंप चलेगा, 2 AC चला सकते हैं डेड टोन का, इसमें गीजर चला सकते हैं,
इसमें सब कुछ चला सकते हैं इसका कैपेसिटी के अंदर रह के। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 7000 VA और रेटेड कैपेसिटी है 5500 VA। अगर कैपेसिटी के ज़्यादा हो जाता है तो कभी एसी बंद करके पंप चलाइए, कभी पंप बंद करके एसी चलाइए, ऐसे करके आपको चलाना होगा। तो चलिए अब इंजन ऑयल कहाँ डालना है और कितना लगता है वो बता देते हैं। तो देखिए इंजन ऑयल यहाँ पर आपको डालना होगा, फिलर गेज खोल लेना होगा, ऐसे करके आपको इंजन ऑयल डालना है। इंजन ऑयल ग्रेड होगा 10W30 और इंजन ऑयल लगेगा आपको 1100 ml। उसके बाद दिखाएंगे इको थ्रॉटल मोड का काम क्या है। इको थ्रॉटल मोड बोलकर एक फंक्शन है, वो ऑन रखने से आपका पेट्रोल कम खाएगा, वो दिखाएंगे कैसे। और वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो चलिए अब इंजन स्टार्ट करेंगे, फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाल लेते हैं। ये पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल से चलता है। अगले वीडियो में बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था जो ये डीजल होने से खर्चा कम होता, तो देखिए ऐसा बात नहीं है। अभी जो पेट्रोल का प्राइस है और डीजल का प्राइस है लगभग सेम प्राइस है, तो खर्चा सेम ही होगा। और पेट्रोल इंजन स्मूथ होता है, मेंटेनेंस खर्चा कम होता है डीजल इंजन के तुलना में। तो चलिए अब हुंडा इंजन स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे, इको थ्रॉटल मोड का काम भी बताएंगे और आई मॉनिटर जो होता है डिजिटल बोर्ड उसमें क्या क्या डिस्प्ले होगा वो बताएंगे। तो देखिए इधर है आई मॉनिटर और इधर चाबी है। इंजन स्टार्ट करने से पहले चाबी ऑन करना होगा, तो चाबी ऑन कर लिया और ये डिस्प्ले शो हो रहा है। तो देखिए 1 मतलब 1 आवर्स कितना चला है, 2 मतलब कितना VA और 3 मतलब RPM, 3 पर RPM दिखाएगा कितना इंजन RPM है, 4 मतलब बैटरी कितना चार्ज है, ठीक है ये दिखाएगा। तो चलिए इंजन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए स्विच दबाया, इंजन स्टार्ट हो गया, तो इंजन का साउंड आप सुन सकते हैं। और ये लाइट है आउटपुट इंडिकेटर, मतलब करंट आ रहा है। ये AC आउटपुट है, ये तीनों होल्डर में आप करंट ले जा सकते हैं। और ये है इको थ्रॉटल मोड स्विच, ये ऑफ रहने से इंजन हाई RPM पर चलेगा, ऑन रहने से लो RPM पर चलेगा। हाई रहने से ज़्यादा तेल खाएगा और ऑन रहने से कम तेल खाएगा, लेकिन ऑन तब भी रखेंगे जब 1000 वाट आपका लोड रहेगा घर पर, तब ऑन रखना होगा। और ऑफ रखने से 2 लीटर से ज़्यादा खाएगा घंटा में, ऑन रखने से 1 लीटर से ज़्यादा खाएगा, ये लोड के हिसाब से हेर फेर होता है। अब देखिए इसका मैक्सिमम आउटपुट और रेटेड आउटपुट यहाँ पर लिखा है। मैक्सिमम आउटपुट है 7 kVA मतलब 7000 VA और रेटेड आउटपुट है 5.5 VA मतलब 5500 VA। और रेटेड वोल्टेज देगा 230 वोल्टेज देगा और एम्पियर देगा 23.9 एम्पियर देगा। अब बताते हैं इसका प्राइस, इस मॉडल का प्राइस है 1,97,000 1,97,000 इसका प्राइस है वेस्ट बंगाल पर। और हुंडा मॉडल का नया नया वीडियो देखना चाहते हैं, दूसरा मॉडल का वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर उस वीडियो के लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरह नया नया वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरा वीडियो में।